एमसीबी जिले के वनांचल क्षेत्र भरतपुर में दिव्यांगजनों के विकास और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा। इसे जनकपुर के दिव्यांग की पीड़ा को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। प्रदेश सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। दिव्यांगों को लाभ दिलाने के कई वादे भी किए जाते हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते कई दिव्यांग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम आरा निवासी बुद्धसेन गोड़ के पुत्र परमेश्वर की उम्र 17 वर्ष है और वह दोनों हाथ और एक आंख से विकलांग है। उसका परिवार थोड़ी बहुत खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। परमेश्वर की दिव्यांगता को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह ना तो अच्छे से उठ बैठ सकता है और ना ही अपनी दिनचर्या अच्छे से कर सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद भी दिव्यांग परमेश्वर को आज तक ना तो सरकारी पेंशन का लाभ मिल रहा है और ना ही स्वावलंबन योजना का। घर की कमाई से इतना भी नहीं हो पाता कि आर्थिक स्थिति सुधर सके। 12वीं साल पढ़ूंगा और मेरे कुछ नहीं मिलता है, न पेंशन, न राशन, न चावल और साइकिल भी नहीं मिला अभी। और अभी तक माल कुछ शुरू नहीं हुआ है, वो अपने बहुत रहेंगे इधर उधर। अब न उसके पास आज शौचालय है, न उसका राशन कार्ड में कहीं नाम जुड़ा है, न उसके पास सब कुछ है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, आधार उसके पास सब कुछ है, मगर वैसा उसको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, न राशन न पेंशन कुछ मिल रहा है, उसको कहीं से लाभ है नहीं मिल रहा है। मैं किसान मजदूर आदमी, यहाँ वहाँ से वही अपना खेती किसानी कर उसकी लाने में कुछ और व्यवस्था बनाऊँ। परमेश्वर को किसी तरह स्कूल में परिजन पढ़ाई करवा रहे हैं। वह इस साल 12वीं में पढ़ रहा है, लेकिन ट्राईसाइकिल नहीं होने के कारण उसे आने जाने में दिक्कत होती है। राशन कार्ड में दिव्यांग का नाम नहीं होने के कारण उसके हिस्से का राशन भी नहीं मिल पा रहा है। कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक ना ही उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ पाया और ना ही अन्य सरकारी योजना का लाभ मिलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दिव्यांग परमेश्वर को कब शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। एसीएन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।